जो जातिवाद में बढ़ जाते हो, जब वोट देने जाना तो एक ही बात दिमाग लगा लेना, खाली अफगानिस्तान की स्थिति याद कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपको वोट कहां देना है, मुहर कहां लगनी है। मैं किसी पार्टी विशेष का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं भारत का आदमी हूं और मुझे इतना तो पता ही है कि भारत किन हाथों में सुरक्षित है। इसीलिए ध्यान से ये जो जातिवाद में हम लोग बट रहे हैं उस पे है कि मन की हल्दी घाटी में राणा के भाले डोले थे, यूं लगता है वीर शिवाजी चीख चीख कर बोले थे, पुरखों का बलिदान खास की रोटी तक शर्मिंदा है, कट गई जंग में राणा की बोटी बोटी शर्मिंदा है, खुद अपनी पहचान मिटा दी कायर भूखे बेटों ने, जो टोपी जालीदार पहन ली हिंदू माँ के बेटों ने। और सर पर लानत तालियां नहीं, सुनिए पूरी बात कि मन की हल्दी घाटी में राणा के भाले डोले थे, यूं लगता है वीर शिवाजी चीख चीख कर बोले थे, पुरखों का बलिदान घास की रोटी भी शर्मिंदा है, कट गई जंग में राणा की बोटी बोटी शर्मिंदा है, खुद अपनी पहचान मिटा दी कायर भूखे बेटों ने, जो टोपी जालीदार पहन ली हिंदू माँ के बेटों ने। सर पर लानत वाली छत से फिर खुला ठिकाना अच्छा था, टोपी गोल पहनने से तो मर जाना ही अच्छा था, मथुरा अवधपुरी घायल है, काशी घिर गई कराहों से, यदकुल गठबंधन कर बैठा कातिल नादिर शाहों से, मुंह से आह तलक ना निकली धर्म ध्वजा के फटने से, कब तुमने आंसू छलकाए गौ माता के कटने पे। हिंदुस्तान के लोगों जागो, कब तुमने आंसू छलकाए गौ माता के कटने पे, जागे नहीं अगर आज हम तो ये प्रश्न पीढ़ियां पूछेंगी। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी बन जाएं या मिसाल बन जाएं। ना हम कश्मीरी पंडितों को भूलेंगे और ना राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाले को भूलेंगे। ये वही भारत है, ध्यान रखिएगा। किसी बहकावे में नहीं आना है कि कब तुमने आंसू छलकाए गौ माता के कटने पे और जागे नहीं अगर हम, तो ये प्रश्न पीढ़ियां पूछेंगी। गन पकड़े हिंदुओं के बेटे और बुरके से लदी बेटियां पूछेंगी, बोलेंगी हे यार पुत्र इतना उद्धार किया होता, खतना करवाने से अच्छा हमको मार दिया होता। और सोते रहो सनातन वालों तुम सत्ता की गोदी में, पर सांस आखिरी तक भगवा की रक्षा हेतु लड़ूंगा मैं, शीस कलम करवा दूंगा पर कलमा नहीं पढ़ूंगा मैं, शीस कलम करवा दूंगा। आने याद रखना हमारे भारत में 29 राज्य हैं, जिसमें से खाली 22 राज्यों में हम लोग बहुसंख्यक हैं, बाकी अल्पसंख्यक। इसीलिए मैं भजन भी गाता हूं, मैं जागरण भी करता हूं, क्योंकि मैं भारत, मेरा चैनल कभी भी बदल सकता है। अभी देशभक्ति चल रहा है, कभी कभी कपिल शर्मा लग जाएंगे, फिर कभी आस्था लग जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमेशा हम आज़ाद कैसे हुए ये बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन हम गुलाम कैसे हुए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप जानने का प्रयास करना कि ऐसा क्या हुआ होगा भारत में जो पूरा अखंड भारत गुलामी की तरफ बढ़ गया। इस देश में जिनको चोर कहना था, जो मुगल भारत को लूटने आए, चाहे वो गजनी रहा हो, चाहे वो औरंगजेब, महान अकबर जिसको जिल्ले इलाही कहा गया, जिल्ले इलाही खुदा की परछाई को कहते हैं, और जो भारत के लोग अकबर को महान बताते हैं, जिल्ले इलाही शहंशाह अकबर, जिल्ले इलाही खुदा की परछाई को कहता है। ये कौन सा जिल्ले इलाही है जो दिल्ली में महिलाओं की मंडियां लगाता है, महिलाओं की खरीदी फरोश करता है, इतनी काली परछाई कौन से जिल्ले इलाही की हो सकती है। इसीलिए आप अपने हीरोज, अपने बच्चों को बताओ कि ये देश भगत सिंह की वजह से, ये देश जियो तिवारी जनेऊ धारी चंद्रशेखर आजाद, ये देश मंगल पांडे बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो। हमारे यहां महिलाएं घूंघट करती हैं क्योंकि यहां लुटेरे आए भारत में, लूटे डोलियां लूटे, महिलाओं के साथ दुराचार किए, जिसकी वजह से उन्हें पर्दे में रखा जाने लगा। भारत के लोगों 2022 का चुनाव आपके सर पे है, मुहर लगाने से पहले सोच लेना कि भारत वाकई में किन हाथों में महफूज है, बाकी आगे आपकी मर्जी। बोलिए भारत माता की। आइए रोक दो भाई, इतना काफी है।